श्रद्धा भाव से विभोर श्रद्धालुओं की यह बड़ी उपस्थिति कोलकाता की गंगा आरती में है। 9 महीने पहले आरंभ हुई कोलकाता की गंगा आरती अब धीरे धीरे अपनी प्रसिद्धि की ओर अग्रसर है। हरिद्वार और बनारस की गंगा आरती पूरे देश में विख्यात है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी काशी यानी बनारस की गंगा आरती तो अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है और विदेशी पर्यटक तो काशी की गंगा आरती में शामिल होने के लिए विशेष तौर से आते हैं। उनकी यात्रा की सूची में गंगा आरती अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर इस साल 2 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आग्रह पर कोलकाता के बापू घाट के निकट बाजा कदम तला घाट पर भी गंगा आरती शुरू की गई। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हालांकि कोलकाता से पहले हावड़ा के रामकृष्ण घाट पर कुछ वर्षों से गंगा आरती हो रही थी। बनारस निवासी आचार्य सुरेंद्र पाठक वहां गंगा आरती कराते थे। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में कोलकाता में बाजा कदम तला घाट पर हर शाम गंगा आरती हो रही है। यहां पे 2 मार्च से चालू हुआ है। इसके पहले रामकृष्णपुर घाट पर हम आरती का संचालन करते थे, वहाँ पे आचार्य तो करते थे। उसके बाद में यहाँ पे ममता दीदी 2 मार्च से यहाँ पे ओपनिंग की है, उससे निरंतर अभी प्रतिदिन आरती यहाँ पे 6 बजे से प्रारंभ है। बहुत लोग यहाँ से पर्यटक काशी जाते थे, तो यहाँ की सरकार और यहाँ के प्रशासन के द्वारा सोचा गया कि यहाँ की जनता अगर बाहर जाती है वही चीज़ यहाँ अगर किया जाए तो सभी लोग यहाँ आके इतना खर्चा लगा के जो किराया जाते हैं, लोग यहाँ भी देख के अपने उस पुण्य को लाभ ले सकते हैं। आचार्य सुरेंद्र पाठक बनारस में शिक्षित हैं और गंगा आरती की सारी विधियां उनकी देखरेख में होती है। गंगा आरती की शुरुआत मंत्र उच्चारण के जरिए वही करते हैं। बाजा कदम तला घाट पर जहां गंगा आरती होती है वहीं पर मां गंगा देवी का एक मंदिर है। मंदिर में मां गंगा देवी की एक मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण भी मार्च में हुआ था। गंगा आरती से पहले मां गंगा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा आरती की पूरी व्यवस्था कोलकाता के ही चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा की जाती है, लेकिन गंगा आरती के लिए जगह के साथ ही सारी व्यवस्था में कोलकाता नगर निगम की भी भूमिका है। जैसा कि नगर निगम के MMIC तारक सिंह बताते हैं, वह चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। शुरुआत ये है कि हमारे जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको इच्छा था एक गंगा किनारे में गंगा आरती करने का, तो कलकत्ता का मेयर को ये जिम्मेवारी दिया गया था, तो उनने ये जिम्मेवारी मेरे को दिया। तो 2 मार्च इस साल में हम लोग गंगा आरती का उद्घाटन किया, ये सोच के कि ये तो कॉस्मोपॉलिटियन सिटी है। हमारा गवर्नमेंट का ये सोच है कि जो भी लोग यहाँ रहता है इंडिया का और उनके प्रांत में जो मुख्य मंदिरें हैं वो हम बंगाल में कहीं ना कहीं सेटअप करते ताकि वो लोग यहाँ पर उसका दर्शन कर सके, पूजा पाठ कर सके। वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा का वजह से नहीं जा पाता है, उम्र का वजह से जा नहीं पाता है, तो उनको यहाँ पर
दर्शन भी हो जाता, पूजा भी कर लेता और हम लोग पूरा धार्मिक रूप से किया है। बनारस के दशाश्वमेध घाट अथवा 80 घाट में 7 या 9 पुरोहित गंगा आरती में शामिल होते हैं, लेकिन कोलकाता की गंगा आरती में पुरोहितों की संख्या 11 है और उनके सहायक भी इतने हैं। हरिद्वार की आरती 5 मिनट की होती है, जो सामूहिक रूप से होती है और सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे जो काशी में आरती होती है और कलकत्ता में होती है आरती, वो प्रायः सेम होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे 5 लोग 7 लोग करते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ 11 लोग आरती करते हैं, 11 लोग साथ में रहते हैं जो कि सहायक के रूप में रहते हैं। 11 रुद्र होते हैं, 11 मान लो शिव जी के रूप में, उसी के प्राय मनाया जाता है। तो यहाँ पे और विकसित हो जगह के अनुसार, बहुत भव्य रूप से किया जाए, तो इसी के अनुसार 11 वो लोग रहते, 11 सहायक रूप में, 22 लोग रहते हैं हमारी गंगा आरती में। इसमें इस गंगा आरती को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ विशेष लाइटें उपयोग की जाती है। दोनों तरफ 4 लाइटें लगाई गई है जो पूरी गंगा आरती के दौरान रंग बिरंगी रोशनी फेंकती रहती है। बनारस की प्रसिद्ध देव दीपावली की तरह इस बार कोलकाता में भी देव दीपावली मनाई गई और बाजा कदमतला घाट के साथ ही अन्य घाटों में हजारों की संख्या में दीप जलाए गए। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य कोलकाता के प्रति आकर्षण को बढ़ाना था। बहुत अच्छा रिएक्शन है और हम लोग हर शनिवार को वहाँ भोग भी लगाते हैं। अपने इसमें नवंबर में 26-27 को हम लोग देव दीपावली चालू किया है यहाँ इंडिया में, 3rd प्लेस, बनारस, हरिद्वार, कलकत्ता, बहुत बड़ा रूप से किया था 2 दिन का। देव दीपावली के दिन यहाँ पर पूरा कलकत्ता के हर घाट पर आपको लग रहा था कि जैसे काशी है, छोटी काशी के रूप में यहाँ पर देव दीपावली मनाया गया हर घाट पर और यहाँ से हजारों दीपक का प्रज्वलित हुआ। कोलकाता की गंगा आरती में जो 11 पुरोहित हिस्सा लेते हैं उनमें ही शामिल है नरेंद्र झा। वह इस बात से काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे इस गंगा आरती के हिस्सा हैं। हमको अभी विश्वास नहीं है कोलकाता में ये आरती हो रही है, हम खुद करते हैं लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रही है। बनारस से देख के आए थे, कोलकाता में कर रहे हैं, बनारस में प्रैक्टिस किए, यहाँ पर आके कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कोलकाता में गंगा आरती, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कुछ नहीं। अनुभव हमारे मन के अंदर प्रकट होते हैं, जैसे एक गाना बजते हैं ना, उस अगर धुन में आप आरती करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपके अंदर वो मतलब भावना आने लगेगी, भक्ति आने लगेगी। हाँ, अगर मन नहीं है तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर मन बैठा लीजिए आरती के गाने के ऊपर, आरती करनी है मतलब गाने के ऊपर मन बैठाना है, तो आपके भावना अंदर से प्रकट हो जाएगी। वैसा मतलब जुनून आ जाता है कि हाँ आरती करना है, खुद मन लगने लगता है। ये नहीं दिखाई देता कि पब्लिक देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसको हमको देखना नहीं है, मतलब मन में अंदर ऐसे भावना आ जाती है कि हाँ हम आरती कर रहे हैं, ऐसा हमारे अंदर आ जाती है, ऐसे जुनून आ जाता है कि हम आरती कर रहे हैं। लोगों की भक्ति और ना आप भीड़ देख ही सकते हैं हर शनिवार रविवार छुट्टी के दिनों में, जिनका मतलब ऑफिशियली काम है उनको तो शनि रविवार को छुट्टी मिले तो शनि रविवार को भीड़ लगता है। बाकी एक भी ऐसा दिन नहीं है कि हमारा कुर्सी खाली रहे, पूरा भीड़ पब्लिक की रखती है। भक्ति हमारा जैसे जैसे फैल रही है यूट्यूब के माध्यम से, वैसे वैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए आती है। उससे हम लोगों को भी मतलब गर्व होता है कि हम पब्लिक इतना देखने, जितने पब्लिक आते हैं उतने हम लोग उत्साहित होते हैं आरती करने के लिए। बनारस की प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होकर लोग दिव्यता और ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। अब कोलकाता की गंगा आरती में भी लोग यह अनुभूति कर रहे हैं। अच्छा लगता, हम आते हैं हरदम गंगा आरती देखने, बेहला से आते हैं हम लोग देखने, लगता है गंगा माँ का गोद में बैठे हुए, बहुत शांति लगता है, अच्छा लगता है, खुश होते हैं। नहीं बनारस के नहीं गए हैं कभी, वही सब इधर में आ रहे हैं बनारस का, माधमा से सुन के कि बहुत अच्छा होता है बनारस में, वही खुशी से हम इधर आते हैं देखने। पहले दिन यहाँ पे आए हैं, कलकत्ता में रहते हैं लेकिन आना आ नहीं पाए, आज बहुत बहुत सुंदर लगा, सोना पुण्य हो गया, सोचा है कि क्यों नहीं पहले आए हैं, बहुत सुंदर, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। वो तो
एक समझ नहीं आता कि हम कलकत्ता में है कि बनारस में है। बहुत बहुत अच्छा। हमें बांग्लादेश से एस थी, बांग्लादेश से एस এখানে ঘাটের এখানে আরতির কথা শুনে ভালো মানে খুব ভালো লাগলো। এখানে আসার পর আরো ভালো লাগলো, মনে হয় বেনারসের যে শিবের মাহাত্ম্য এখানে এটা পেয়ে গেলাম। बाजा कदमतला घाट की गंगा आरती में हर दिन सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। ना सिर्फ कोलकाता बल्कि दूर दूर से लोग परिवार संग गंगा आरती के दर्शन और उसको अनुभूत करने के लिए आते हैं। हम लोग जो आजकल का न्यूज में खबर में जो देख रहे हैं, जिसमें मन थोड़ा चंचल हो जाता है, यहाँ आके या आरती देखने के बाद थोड़ा मन शांति मिलता है। यहाँ पे आके जो अनुभव होता है वो एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, हृदय छू जाता है। यहाँ देख करके बहुत शांति मिलता है, इसीलिए यहाँ पर हम ऑलवेज हम आते रहते हैं। वीक में कम से कम 3-4 दिन हम यहाँ आते हैं अपनी मम्मी को लेकर के। बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल होता है यहाँ पर। धर्म धार्मिक चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें फैलनी भी चाहिए, अच्छा रहता है हमारे यूथ के लिए। गंगा आरती के आयोजक चंडी देवी ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष तारक सिंह और संचालक आचार्य सुरेंद्र पाठक को यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गंगा आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। हालांकि उनका कहना है कि मात्र कुछ महीनों में इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो चुकी है। कलकत्ता के लोग लोकल लोग हैं, कुछ लोग बाहरी भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, तो यहाँ पे प्रायः आप मान लीजिए कि यहाँ का टूरिज्म कम है, मगर वहाँ जो काशी है टूरिज्म क्षेत्र, वहाँ पे बाहरी लोग बहुत आते, तो वहाँ पे अधिकांश भीड़ होती, मगर हम यहाँ कहा जाए तो यहाँ भी कम भीड़ नहीं है। और यहाँ पे तुलना की जाए तो धीरे धीरे आने वाले समय पे आपको जगह नहीं मिलती है यहाँ पे, मिलेगी और आने वाले समय में। लेकिन आचार्य सुरेंद्र पाठक की चिंता गंगा की सफाई को लेकर भी है। वह चाहते हैं कि लोग माँ गंगा को साफ रखने में अपनी भूमिका को समझे। गंगा आरती का मकसद जो है कि गंगा को निर्मल बनाएं, और जो भी कूड़ा कचड़ा है आप लोग इसको गंगा मैया में ना डालें। जो माँ होती है वो सबको निर्मल करना चाहती है, अपनी माँ को इस तरीके से रखें, कोई भी गंदगी ना फैलाएं। और हमारे यहाँ के लोगों से, यहाँ से सरकार सभी से यही है कि जितना हो सके गंगा मैया को सुचारू रूप से शुद्ध करें और निर्मल करें।